मैं शपथ लेता हूँ मैं कल से 5 बजे उठूंगा, सुबह सुबह उठकर वर्कआउट करूंगा। हाँ 3-4 दिन तक लगातार, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाना एक बहुत ही कॉमन समस्या है लोगों की। अगर आप इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने वाले हो तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स मिलने वाले हैं जो आपकी कंसिस्टेंसी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देंगे और फिर आप उस कंसिस्टेंसी को तोड़ नहीं सकते। मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बनाई इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है, मैं वही एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो मैं दुनिया भर की बकवास नहीं कर रहा। सबसे पहली बात, अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आपके पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए कंसिस्टेंट रहने के लिए, कि आपका कोई ड्रीम होना चाहिए, आपको आईएएस बनना है। थोड़ा सा एक सपना मन में लाकर देखो, आईएएस बनना है। अगर आपको एक फिल्म एक्टर बनना है, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको एक यूट्यूबर बनना है, एनीथिंग एवरीथिंग, आपको कुछ भी कहीं भी कैसे भी बनना है, आपके अंदर वो ड्रीम होना चाहिए। आप उस ड्रीम के लिए अपने आप को जगाओगे, अपने आप को कंसिस्टेंट रख पाओगे। अगर आपके अंदर कोई ड्रीम नहीं है, कोई पागलपन नहीं है, वाई आप 3-4 दिन करोगे भाई, वहाँ पर आपका कुछ लगा हुआ नहीं है। मान लेते हैं आपके पास आपका घर जमीन मकान है, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। आपको एक नॉर्मल बिज़नेस की बात अगर हम करें तो आपके घर वालों ने 2-3 हज़ार रुपये दे दिया, आपने उसे इन्वेस्ट करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, तो क्या आप उसमें इतना फोकस दे पाओगे? नहीं, वो बिज़नेस आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेकर जा सकते। वहीं अगर हम बात कर लें कि आपने अपना घर बार सब कुछ टोटल बेच कुछ दिया, कुछ नहीं बचा आपके पास, अब आपके पास उस बिज़नेस में पूरा फोकस लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो आप उस बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा पागल हो जाओगे उस बिज़नेस के पीछे कि नहीं, कंसिस्टेंसी पूरी लगा दोगे या फिर नहीं? जाहिर सी बात है एक बंदा लगा देगा। एलोन मस्क ने यही किया था। अगर हम एलोन मस्क की बात करें, एक टाइम उसके लाइफ में ऐसा आया था जब उसने अपना सब कुछ बेचकर एक जगह पर लगा दिया था, अलग अलग कंपनियां खरीद ली थी और खुद किराए पर रहने लगा था। सोचो एक ऐसा बंदा जिसने अलग अलग कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वो खुद रेंट पर रहने लगा, वो कितना ज़्यादा पागल हो गया होगा अपने काम के पीछे। इसीलिए वो आज के टाइम में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाया, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो कंसिस्टेंट हुआ। अब आपको अगर कंसिस्टेंसी बरकरार करनी है, जाहिर सी बात है आपके पास एक ऐसा रीज़न होना चाहिए जो आपको कंसिस्टेंट रहने पर मजबूर कर सके। आपके ऐसे सपने होने चाहिए जो आपको कंसिस्टेंट रहने पर मजबूर कर सके। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रह सकते। पॉइंट नंबर 2, अब यहां पर ऐसा तो है नहीं कि भाई रात के 12 बज रहे हैं आप कंसिस्टेंट हो, रात के 1 बज रहे हैं आप कंसिस्टेंट हो, रात के 3 बज रहे हैं आप कंसिस्टेंट हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो आपको एक फिक्स टाइम करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा काम है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे इसी काम को करना है, इसके अलावा कोई और काम को नहीं करना है। जितने भी डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं आपको, आपका डिस्टर्बेंस मोड है, वो सारी चीज़ें आपको हटा देनी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि आपको आपके काम से अलग करती हो, तब जाकर आप कंसिस्टेंसी बना पाएंगे। एक शेड्यूल बना लीजिए, एक टाइम बना लीजिए, तब जाकर आप कंसिस्टेंसी बना पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, मैं अगर अपनी बताऊँ, मेरी एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि मैं छोटे छोटे से गोल सेट करके रखता हूँ और अपने आप को शांत नहीं बैठने देता हूँ जब तक वो गोल्स पूरे नहीं कर लेता हूँ तब तक। और कभी भी मैं अपने आप को खाली नहीं रखता हूँ, एक गोल पूरा हुआ दूसरे पर लगा देता हूँ, पर वो गोल छोटे छोटे ही होते हैं। मान लिया मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, जब इस YouTube चैनल को स्टार्ट किया, 1000 सब्सक्राइबर्स हर जगह लिख दिया मैंने, दीवालों पर लिख दिया। इवन मैंने सबसे ज़्यादा जहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ मेरा मोबाइल फ़ोन, उस मोबाइल फ़ोन का जो वॉलपेपर है उस पर भी मैंने 1K लिख कर रखा था। मैं अपने आप को शांत नहीं रहने देता था जब तक मैंने उस टारगेट को अचीव नहीं कर लिया। उसके बाद मैंने टारगेट दूसरा रखा $5 पर डे का। जब तक मैंने उस टारगेट को अचीव नहीं कर लिया YouTube पर, तब तक मैं शांत नहीं बैठा। तीसरा टारगेट मैंने रख दिया 1 लाख सब्सक्राइबर्स, मींस 100K सब्सक्राइबर्स, और जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो जाती मैं शांत नहीं बैठने वाला हूँ। छोटे छोटे से पॉइंट्स पर आपको ऐसा कर देना है कि अपने आप को शांत मत बैठने दो। आप छोटा छोटा टारगेट बनाओ और जगह जगह दीवालों पर लिख दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं करता हूँ, अपने मोबाइल फ़ोन के वॉलपेपर पर ज़रूर से ज़रूर लगाओ, क्योंकि अगर आपके मोबाइल फ़ोन के वॉलपेपर पर वो चीज़ रहेगी तो आप सबसे ज़्यादा मोबाइल ऑन करते हो। जितनी बार ऑन करोगे उतनी बार आपको वो चीज़ दिखेगा, जितनी बार आपको वो चीज़ दिखेगा उतनी बार आपको अपने सपने की याद आएगी, जितनी बार आपको अपने सपने की याद आएगी उतनी बार आप मेहनत करोगे, और जितनी बार आप मेहनत करोगे उतनी बार आप सक्सेसफुल होगे। पॉइंट नंबर 4, अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि आपको खुद से प्रॉमिसेस करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रॉमिस कर दिया भाई भूल गए उसको,
तो आप अपनी नज़रों में गिरोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं बोलता हूँ कि आप अपने आप को चूतिया बोलिए ऐसे सिचुएशन में, अगर आप कभी पढ़ते हैं कि आपने खुद से बोला कि नहीं आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा और फिर से आप जाकर वहाँ पर पीने लगते हैं, तो आप अपने आप को चूतिया बोल सकते हैं बेशक, और आपको आपकी औकात खुद में पता चल जाएगी। अगर आपने ये बोला है कि मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा, तो एक्चुअली चाहे 10 दिन बीत जाए, 20 दिन बीत जाए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 साल, 5 साल, आपको हाथ नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। अगर आप अपने हाथ को लगाते हो सिगरेट पर, तो मतलब आप अपने आप की नज़रों में ही गिर रहे हो। तो अगर आप अपने आप से कोई प्रॉमिस करो तो उसे पूरा ज़रूर करो। अगर आप उसे पूरा करना सीख लेते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता अपने लाइफ में। आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसको बरकरार रखने से कोई नहीं रोक सकता अपने लाइफ में। पॉइंट नंबर 5, चलिए मान लिया आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंट रहते हैं, बट यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कंसिस्टेंट रहते हुए भी हम छोटी छोटी जगहों पर फेल हो जाते हैं। अब जब आप छोटी छोटी जगहों पर फेल हो जाते हैं, वैसे में आप बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप क्या, मैं अपनी बात बोलूँ, मैं खुद बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता था। कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता था कि नहीं आगे अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, मैं अब आगे कुछ कर ही नहीं सकता, आगे जो है एकदम फ्यूचर जो होता है वो अंधेरे में दिखाई देने लगता है। जैसे मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है ना आपको, पूरा ब्लैक, कुछ नहीं दिख रहा है, सेम वही चीज़ हो जाता था कि मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं देता था, एकदम सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई देता था। क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कैसे चलूँगा, कुछ समझ में नहीं पड़ता था। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को निकालना है, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखने नहीं है, आप दोबारा से चार्ज हो जाओगे। दोबारा से चार्ज हो, जब चार्ज होना शुरू हो उस वक्त आप क्या करो कि आपके जो ड्रीम्स हैं उनको याद करना शुरू कर दो। आपको लाइफ में अपने किसके जैसा बनना है, हर बंदे का कोई ना कोई इंस्पिरेशन जरूर होता है, ध्यान रखिएगा, आपको किसके जैसा बनना है उसके बारे में सर्च करना शुरू करो, उसकी वीडियोस को देखना शुरू करो, मोटिवेशन आपके अंदर खुद ब खुद आने लगेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप डीमोटिवेट हो जाते हैं तब आप और भी ज़्यादा एक्शन लीजिए, क्योंकि जब आप डीमोटिवेट होंगे और एक्शन लेंगे उस एक्शन से आप दोबारा से मोटिवेट हो जाएंगे। सपोज़ दैट यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई, मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा, उस वीडियो पर अगर कुछ व्यूज भी ज़्यादा आते हैं पहले वाली वीडियो से, तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा कि हाँ भाई इस वीडियो में उससे कुछ ज़्यादा व्यूज आए हैं, मतलब मैं और अगर काम करूंगा आगे जाकर तो और भी ज़्यादा सफल हो सकता हूं। अगर आप डीमोटिवेट होते हो तो एक्शन लो, उस एक्शन से आप दोबारा से मोटिवेट हो जाओगे और उस मोटिवेशन से आप दोबारा एक्शन लोगे। ये रिपीट एंड रिपीट चलेगा और अपनी लाइफ में आप कंसिस्टेंट हो पाओगे, सक्सेसफुल हो पाओगे। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। और वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं anoopsinh_ASK। ओके गाइस, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।